नोआ नोआ तो बहुत सुंदर लग रहा है भैया। नोआ यू पकड़ लो बाल। नोआ नोआ तो बहुत सुंदर लग रहा है। नोआ नो 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 बेबी नोआ 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 क्या कर रहे हैं? नोआ क्या कर रहा है? नोआ को चाहिए, नोआ को चाहिए, नो लेगा। तो गाइज आज की ये छोटी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्नोई के ऊपर है। नो ले है ना, सिर्फ और सिर्फ स्नोई के ऊपर है। एंड आज की वीडियो में अभी हम किसी और डॉग की बात नहीं करेंगे, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं माल्टीज की। यार कई सारे लोग, बेबी इधर दिखाना, इधर 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 कुछ ब्लैक ब्लैक था क्या? नहीं मुझे लग रहा होगा। तो कई सारे लोग यार, जब मैंने स्नोई की अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी माल्टीज वाली, तो कई सारे लोगों ने मुझे अपने अपने लासा अफसूस की पिक्चर्स भेजी, ब्राउन कलर में, फाउन कलर में, बहुत खूबसूरत डॉग्स थे। एंड सबका यही क्वेश्चन था कि भैया ये बताइए कि हमारे पास ये जो डॉग है ये माल्टीज है क्या? हमको तो लासा अफसू बता के दिया है। तो यार मुझे लगा कि इस कंफ्यूजन को, इस डिलेमा को एंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। भाई एक चीज़ है, एक चीज़ समझो कि जो माल्टीज है ना, जैसे ये मेरी स्नोआ माल्टीज है, तो जो भी माल्टीज डॉग होगा ना वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर में आएगा, एंड दैट इज़ प्योर वाइट कलर। बस दूसरा कोई कलर नहीं है माल्टीज का इस दुनिया में अभी तक, है ना। कोई मतलब माल्टीज ऐसी ब्रीड है सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर में आती है, प्योर वाइट में, ठीक है। एंड इनके बाल देखो आप कितने लाइट हैं, दिख रहे हैं आपको कितने ज़्यादा, मतलब हल्के बाल होते हैं इनके, ठीक है। ये देख रहे हो बिल्कुल डैंड्रफ नहीं होता है इनके बालों में। अगर आपको एलर्जी है ना, तो ये एक ऐसी ब्रीड है जो आप पाल सकते हो, एंड आपके इसको बिल्कुल डैंड्रफ नहीं है। तो आपको अगर एलर्जी है तो इससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। बाकी इनके बाल आप देख रहे हो कितने ज़्यादा लाइट हैं। लासा अप्सु के आज मैंने इसीलिए फ़ैन चलाया हुआ है, एसी नहीं चलाया, ताकि मैं दिखा सकूं कि आप देखो फ़ैन में कैसे कितने लाइट बाल हैं इसके। देख रहे हो रुई से भी हल्के बाल हैं, देख रहे हो कितने लाइट बाल हैं, है ना। ये आप छू के देखोगे ना तो आप कहोगे वाह यार ये क्या चीज़ है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी कोई डॉग हो सकता है। तो ये बाल जो है ना ये माल्टीज में इतने हल्के होते हैं, और जो आपका लासा अप्सु जो ब्रीड है ना, लासा अप्सु में हमेशा ही बाल बहुत ही डेंस होते हैं। एक माल्टीज के मुकाबले लासा अप्सु में बाल बहुत डेंस होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस आ जाता है भाई वेट का, ठीक है। लासा अप्सु जो है ना वो थोड़ी सी हैवी ब्रीड है अगर आप माल्टीज से कंपेयर करोगे तो, ठीक है। माल्टीज अब जैसे मेरी जो स्नो है इसका अभी आपको पता है कितना वेट है? अभी आज के दिन में, आज की तारीख में स्नोई का वजन है 2 किलो 600 ग्राम। आप सोच सकते हो कितना कम है। नोआ ओए अच्छे से बैठ जाओ, ये क्या हो गया? हाँ ये बाल ऐसे कर, गुड गुड गुड, है ना। तो वजन है स्नोई का सिर्फ और सिर्फ 2 किलो 600 ग्राम, मतलब समझ रहे हो। एंड आप इसको हाथ में उठाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई ब्रीड उठाई है। एंड आप इसका जरा साइज आप कंपेयर करने की कोशिश करो इसके हेड का मेरे हाथ से, ये देख रहे हो। अगर इसके आप बाल हटा दोगे ना तो इसका हेड बस इतना सा है, बस इतना सा, ठीक है, इतना सा, इतना सा। ये देख रहे हो मेरे हाथ के आगे, है ना, कितना छोटी सी लग रही है ये, ठीक है। तो बहुत ही यार साइज़ बहुत छोटा होता है, वेट बहुत हल्का होता है। एंड जब ठंड होती है, जब ये थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाती है, तो इसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंड 3 kgs 100 grams, 3 kgs 150 grams ऐसा हो जाता है। बस उसके ऊपर अभी तक स्नोई का वेट नहीं गया है। स्नोई मेरे ख्याल से 14 months की हो चुकी है ना, तो नहीं 15 months की हो चुकी है, आई एम वेरी सॉरी, 15 months की हो चुकी है स्नोई। एंड तो ये इसका जो वेट है ये कांस्टेंट ही रहेगा अब, ठीक है। अब इसकी और ज़्यादा ग्रोथ वगैरह नहीं होनी है, छोटी ब्रीड्स की ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो लासा एप्सो वहीं पे आपकी, अगर लासा एप्सो फीमेल होती तो वो 5 किलो 6 किलो तक भी चले जाते हैं लासा एप्सो। मेल तो उनमें 8 kgs तक भी चला जाता है बहुत आराम से, और कुछ लोग जो थोड़ा ओबीज कर लेते हैं वो तो और ज़्यादा उनका वेट हो जाता है।
तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं गाइस, जिनसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपके पास जो बच्चा है वो लासा एप्सो है या माल्टीज है। ठीक है, लासा एप्सो आपको जैसे मैंने बताया कि कई सारे कलर में आता है ना, हज़ारों, वो बहुत ही कलरफुल ब्रीड है, बहुत ज़्यादा ही कलरफुल ब्रीड है। एंड जैसे आपने मेरा छोटू देखा है, चेरी देखा है, तो बोथ ऑफ देम आर लासा एप्सोस। ठीक है, तो दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा, इतने ही छोटे रहेंगे वो भी, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आएगा। जैसे चेरी इससे 1/2 इंच ऊंची है एंड शायद 1 इंच लेंथ में ज्यादा है। ठीक है, बट अगर आप अलग अलग देखोगे, एक साथ भी देखोगे और मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको फर्क इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, आपको सेम साइज लगेंगे, है ना। उसके बाद लेकिन चेरी में एक चीज गौर करने वाली है कि चेरी 7.5 मंथ्स की हो गई है एंड चेरी स्नोई से काफी हैवी है। इवन छोटू जो कि अभी 3.5 मंथ्स का है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्नोई के बराबर का है एंड वो स्नोई से डबल हैवी होने वाला है बड़े होके, है ना। तो ब्रीड बिल्कुल उतनी ही है, दोनों ही ब्रीड उतनी ही छोटी हैं, दोनों के ही एक ही तरह के लगभग लगभग बाल हैं दिखने में। ठीक है, दूर से आपको दोनों एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन बहुत अंतर है। पहला अंतर मैंने आप लोगों को बताया कि स्नोई आप देखो व्हाइट कलर में है, प्योर व्हाइट, कहीं पे भी एक भी स्पॉट भी नहीं है दूसरे रंग का। ठीक है, लासा एप्सो में आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपको प्योर व्हाइट कलर मिल जाए। अगर आपको प्योर व्हाइट कलर लासा एप्सो में मिल भी गया, तो उसमें कहीं ना कहीं से स्पिट जरूर मिक्स होगा, या तो आप देख लेना उस व्हाइट वाले पपी के बड़े होने के बाद कान जो है वो पूरे ऐसे नीचे नहीं रहेंगे, हाफ फ्लाई हो जाएंगे, या तो फुल एकदम इरेक्ट हो जाएंगे कान, या फिर आप देखेंगे कि वो जो लासा एप्सो जो पपी होगा आपका, उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। तो ये सब इस चीज का इंडिकेशन है यार कि वो प्योर नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसकी ब्लड लाइन में स्पिट जरूर है ना। वरना बहुत ही मुश्किल है कि आपको प्योर वाइट कलर का लासा एप्सो मिले, मतलब मुझे नहीं लगता 100 में से 1% चांस भी होगा, 0.5% चांस शायद हो कि आपको प्योर लासा एप्सो में प्योर वाइट कलर मिल जाए। ठीक है, एंड सेकेंड चीज मैंने बताया डिफरेंस बालों का, आप देख सकते हो कितना कितना हल्के बाल हैं, कितना ज़्यादा हल्के बाल हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा कि यार ये क्या बता दिया भाई ने, ऐसा कैसे हो जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट ये जो मेल्टीज डॉग है ना, ये सिंगल कोटेड डॉग्स हैं, समझ रहे हो आप, सिंगल कोटेड। जो ब्रीडर्स इतना हम लोग फैला चुके हैं, गंद इतनी फैला चुके हैं कि सिंगल कोटेड मतलब छोटे बाल, छोटे बाल नहीं होता भाई, शॉर्ट हेयर का मतलब, शॉर्ट कोट का मतलब छोटे बाल, सिंगल कोट का मतलब होता है कि इनके जो बाल निकल रहे हैं ना, वो नीचे से ऊपर तक एक ही बाल है, इनका जो अंडर कोट नहीं है, कोई भी ओवर कोट नहीं है, सिर्फ एक ही कोट है जो नीचे से ऊपर तक आता है, सिर्फ इसीलिए इनके बाल आप देख रहे हो कितने हल्के बाल हैं, ये सब बहुत हल्के बाल हैं, है ना। लेकिन जब हम लासा एप्सो की बात करें तो उसका कोट डेंस होता है, उसके अंदर का अलग कोट होता है और ऊपर का अलग कोट होता है, तो वो कोट काफी डेंस होता है। अब अभी तक क्या होता था कि मैं वीडियोस जो बनाता था उनमें एसी चलता रहता था, तो आपको इसके बालों को पता नहीं चलता होगा कि बाल कितने हल्के हैं, लेकिन अभी देखो आपको दिख रहा है ना, बाल एकदम रुई जैसे हैं जो कॉन्स्टेंटली हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, देख रहे हो आप। एंड अभी ये थोड़ी देर पहले नहाई है, तो मुझे नहीं लगता सारे बाल एकदम सूखे भी होंगे, लेकिन तब भी आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा एकदम रुई जैसे बाल हैं ये सब, देखो आप, है ना। तो दो डिफरेंस तो ये हो गए, एक प्योर वाइट कलर एंड एक आपका बालों की जो क्वालिटी है वो, इसके एकदम हल्के बाल होते हैं, लासा एप्सो के बाल बहुत डेंस होते हैं, इसके जो बाल हैं वो सिंगल कोटेड हैं, वो लासा एप्सो में आपका डबल कोटेड है। थर्ड डिफरेंस मैंने वेट का बताया कि भाई ये बहुत हल्की ब्रीड है, बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत हल्की ब्रीड है ये जो मेल्टीज जो आपकी ब्रीड है गाइज, ये फीमेल मैक्सिमम 3 to 4 kgs होती हैं, मेल्स मैक्सिमम 4 to 5 kgs, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है ऑन एन एवरेज एक मेल और एक फीमेल। लासा एप्सो में फीमेल 6 kgs तक चली जाती है, मेल 8 kgs, इवन 9 kgs तक के मैंने मेल देखे हुए हैं, है ना। तो लासा एप्सो थोड़ा हैवी ब्रीड है इससे, बाद बाकी यार दोनों ही बहुत ही खूबसूरत ब्रीड हैं, दोनों ही बहुत ही प्यारी ब्रीड हैं। प्राइस में अगर आप पूछोगे तो मेल्टीज बहुत महंगा है लासा एप्सो से, बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब मुझे लगता है 3 times महंगा है एक लासा एप्सो से एक मेल्टीज, है ना। तो प्राइस मेल्टीज का काफ़ी ज़्यादा होता है ना, बाल देख रहे हो आप गाइस कैसे उड़ रहे हैं, ये देख रहे हो आप, है ना। एंड अभी ये मैंने पूरा कंघी करी हुई है, अभी मैंने पूरा कंघी करके इसको पूरा सुखाया था, लेकिन अभी देखो बाल वो सेटल नहीं हो चुके हैं, लेकिन तब भी वो उड़ रहे हैं। तो यही थी कुछ डिफरेंसेस गाइस, एंड प्लीज़ बताना आपको कि मेरा नोआ आपको कैसा लगा, मेरी इस नोआ आपको कैसी लगी,
बेबी। तो गाइज अब ये सो रही है, इसको आराम करने देते हैं, है ना। अब इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। थोड़ा सा और खाएगा, थोड़ा सा और खाएगा। एंड आजकल आप लोग वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं गाइज मेरी, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, है ना। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत अपने बच्चों की वीडियोस लाता रहूँगा एंड अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करता रहूँगा, है ना। तो बाय गाइज, लव यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई और शंका आपके मन में या कोई और कन्फ्यूजन रह गई हो तो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्नोई कैसी लग रही है, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि किसी प्रोफेशनल ग्रूमर से इसको अच्छे से ग्रूम करवाना है, क्योंकि बाल थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि इसको अच्छे से सही से रख पाऊँ बेचारी को, है ना। तो किसी प्रोफेशनल ग्रूमर से ग्रूम करवाएंगे एंड थोड़ा टिप्स भी लेंगे कि भाई कैसे क्या क्या केयर करनी है, बालों की कैसे रखें, है ना। तो यही थी गाइज आज की छोटी सी वीडियो। बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।